बात कर रहे वाला शॉट है उसमें तो किया है ना कि हिंदू के हॉस्टल में जो लड़कपन था हो गया बेटा थैंक यू मारना मारना लाइट मारना बस कितना मारे बोल तीनों को साथ में बोल बस करते ना बता क्या तुम लोग सेल्फी ले रहे हो ये शॉर्ट है भाई ये पिक्चर थोड़ा मांगे पहले फोटो पहले यार
एक तो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड आशीष इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री और बहुत ही अंडर यूटिलाइज हैं, स्पेशली बॉलीवुड में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इसमें भी कहानी में जो उनकी परफॉर्मेंस है, इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस एंड मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आशीष के साथ एक बहुत बड़ा काम करूं। और जो डायरेक्टर हैं संदीप यहीं पे ही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म लिखी है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। क्या फिल्म आल्सो कैरीज अ सोशल मैसेज अलोंग विद द? नहीं, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स एन इमोशनल थोड़ा सा फिल्म में जो कैरेक्टर का जो जर्नी है और उसका जो साइकोलॉजिकल उसका जो उसके ऊपर बीतता है, वो कैसे उसको बिहेव करता है, उसका उसका आंकड़ा है। विशाल जी, पटाखा को लेके बड़ी पॉजिटिव वाइब है और उसी एक साथ वो फिल्म का प्रमोशन भी चल रहा है और यहाँ किसी के साथ किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए खड़े होना, कैसे वक्त निकाल पाते हैं मैनेजिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर? साथ साथ चल रहा है और द वाइब अराउंड द फिल्म इज रियली पॉजिटिव। नहीं, आई एम वेरी थैंक यू सो मच और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे, लोग फिल्में देखने आए। मैंने जो मैं कर सकता था अपनी फिल्म को लेकर मैं कर चुका हूँ, तो बाकी मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आशीष विद्यार्थी और मैं, हम एक कॉलेज से हैं, हम एक साल से हैं और हम लोग एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ बॉम्बे आए थे, एक साथ स्ट्रगल की, एक साथ ही हमको सक्सेस मिली और अब हम दोस्त हैं बहुत पुराने। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म का मेरा भी बहुत मन है बनाने का और मैं बहुत जल्दी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। Any ideas if you can throw some light, will be the star cast? नहीं, अभी तो मैंने आइडिया भी नहीं सोचा है, पर मैं मुझे वो फॉर्मेट बहुत पसंद है शॉर्ट फिल्म। अभी कुछ नहीं, अभी तो मैंने दो लड़कियों के साथ फिल्म की, इसको पूरा करके रिलीज करने दीजिए। नहीं अभी कुछ नहीं, ओके ओके हो गया, आपका हो गया ना ये तो। अरे भैया रोलिंग जैसे एक्चुअली ये मेरे दोस्तों की पिक्चर है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे बहुत पुराने और कुख्यात किस्म के दोस्त हैं, मगर क्योंकि धंधे का सवाल है तो सच बोलना होगा और सच लकीली ये है कि कहानी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी फिल्म है, कहानी बाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे इट इज़ रिटन, द ओरिजिनल आइडिया, द वे इट इज़ एडिटेड, डायरेक्टेड बाय संदीप एंड वेरी वेरी हैप्पी टू सी आशीष परफॉर्मिंग इन फुल ग्लोरी। I've seen him in theater, I've seen him ever since and thanks to Sandeep I got to see a very good performance of Ashish. I would recommend Kahani Baaz to everybody to watch. Film mein suspense chhod rahi hai, aapko kya lagta hai suspense padna chahiye isme? Kya film complete hui suspense chhod rahi hai? Mujhe nahi lagta ki suspense chhoota hua hai film mein, but mere khayal se overall bahut mukammal film hai. I think everybody would like to watch it on many levels, you know, it works. Sir, but talking about the web series or a short film, you know, there is no censorship. Let's talk about Kahani Baaz right now. Yeah. We'll talk about all those things later. Yes, yes, yes. You know? Yes, yes. I have. Yeah. We just met Vishal and he said ki main Ashish ne saath mein shuruaat kari hai aur he said he's one of the underrated actors. Abhi bahut kuch Ashish mein hai as an actor jo use nahi kiya hai, jo unko maqam milna chahiye tha wo nahi mila. बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद दिस अबाउट आशीष जो विशाल ने कहा है, बट ऑल्सो आई फील एनकरेज बाई दैट फैक्ट दैट देर इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग करियर अहेड ऑफ आशीष एंड होपफुली पीपल लाइक मी कैन एक्सप्लॉइट दैट अलॉट।
I'm really like I would look forward, sir, at some point of time to work with Ashish. Okay, how proud or do you get emotional when the Imtiaz come across or Vishal come across? Share the memory, getting nostalgia. It is. So, just to put it very simply, एक एक्टर जो होता है वो मरता नहीं है, उसकी इच्छा कई बार मर जाती है. But I've been lucky enough that I've managed to you know keep myself alive. And Imtiaz and Vishal, extraordinary human beings and artists. So I'm so very happy that you both were here today. Having said that, आज की जो फिल्म है actually belongs to Sandeep. Because the way he's written it, the way he's directed it, क्योंकि ये जो medium है ये बहुत आसान नहीं है लिखना या आसान नहीं है बनाना. Really, congratulations for having created this. And I want you to come center stage, please. Okay, Sandeep, क्या कहना? पहली बात तो मेरे लिए बहुत 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 गर्व की बात है कि विशाल और इम्तियाज आए. Because I wanted, of course, everyone coming is welcome, but directors of this caliber coming and watching my film, it's a great privilege, firstly. And then Vishal also, apart from what he said to the media, he also said to me privately that he really loved it. And so did Imtiaz. As far as Ashish is concerned, so I had promised Ashish one thing, that I want to rediscover the actor I had seen on Delhi stage years back. And then we worked together on this, and we are both hot-headed people, and that really brought out the best in both of us. It was both a challenge and a pleasure. So I'm really happy that today if Imtiaz is saying, after seeing this, that he would like to work with Ashish, it's like a rediscovery for Imtiaz as well. So if by this small effort, if that layer of Ashish is able to be taken off, and we are able to see the actor, the real actor within him, it's fantastic, I think. Okay, the last one, if it is okay with Imtiaz, would you be interested in future directing a web series or web series? Sure, yeah, absolutely. Thank you. Yes, sir. Shilpa Shetty. मुझे I'm sorry. I don't know about this. Like, share, and subscribe to TV Next Bollywood.